हेलो स्टूडेंट्स, विनसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्यमान सिंह राठौर और मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। तो देखिए, हम आपके लिए एक विनमैक्स नाम की सीरीज लेके आए हैं यूट्यूब पर, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, आज हम यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के MCQs 30 MCQs उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट MCQ से। तो पहला हमारा जो MCQ है वो क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। कहने का मतलब, हमें मैंगो का साइंटिफिक नेम बताना है, जो कि किसने डिस्क्राइब किया था, कैरोलस लिनियस ने। ओके, तो क्या हो सकता है मैंगो का साइंटिफिक नेम? तो पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है, मेंजीफेरा इंडिका। दूसरा, मेंजीफेरा इंडिका कार्ल लिनियस। तीसरा बता रहा है मेंजीफेरा इंडिका लिनियस, और फोर्थ बता रहा है मेंजीफेरा इंडिका। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा सी, मेंजीफेरा इंडिका लिनियस। तो देखिए, आप अगर मैं MCQs आप लोगों को करवा रहा हूं, तो साथ में आप पेन और कॉपी भी लीजिए और साथ साथ में आप भी करिए, और आपको सारे MCQs अटेम्प्ट करने हैं, और मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने कितने सही किए और कितने गलत करे। तो इसका आंसर होगा सी, मेंजीफेरा इंडिका लिनियस। तो देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन कोई गलत ना हो, तो इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा समय एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, है ना। तो देखिए, तो इसको इस क्वेश्चन इस MCQ को सॉल्व करने के लिए आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आना जरूरी है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाई का मतलब देखिए क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, टू। नॉमिल का मतलब होता है नेम, और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, नामकरण। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, काफी सारी दुविधाएं थी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग नामों से जाना जाता है हर देश के अंदर, और हर जगह के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन का कारण बना था। तो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने एक पद्धति को खोजा, ठीक है, और जो पद्धति बनाई इन्होंने, और जो पद्धति बनी कौन सी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये मतलब नामकरण की पद्धति, ताकि ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाए, जिसे साइंटिफिक नेम कहते हैं, ठीक है। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखिए क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं। तो ये जो देखिए, टू नेम, दो नाम वाला नामकरण, मतलब इस नामकरण में दो वर्ड्स होंगे। इससे क्या बात निकल के आ रही है, कि जो नाम होगा वो टू वर्ड्स वाला होगा, टू वर्ड्स होंगे, ठीक है, टू वर्ड्स होंगे। तो दो वर्ड्स कौन से होते हैं, पहला वर्ड जो होता है वो जीनस को संबोधित करता है, और दूसरा जो वर्ड होता है वो स्पीसीज को। ओके, तो साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होते हैं, पहला जो वर्ड होता है वो जीनस को संबोधित करता है, और सेकंड वर्ड स्पीसीज को संबोधित करता है। जैसे मेंजीफेरा इंडिका, पैंथ्रा टिग्रिस, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, पैंथ्रा टिग्रिस। तो दो वर्ड है ना, ये एक पैंथ्रा हो गया पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड, और दूसरा वर्ड हो गया टिग्रिस। पैंथ्रा किसको संबोधित कर रहा है, जीनस को, और टिग्रिस स्पीसीज को। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर देखिए,
दो वर्ड हो गए, एक पैंथरा और टिग्रिस या जीनस और स्पीशीज। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि भाई जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में के अंदर क्या होता है, देखिए जो जीनस जो होता है उसका फर्स्ट लेटर, जैसे इधर मैंने पी लिखा है, ये हमेशा क्या होगा कैपिटल लेटर के अंदर होगा, ये देखिए, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर चलेंगे। इसी के साथ ही जो नोमेनक्लेचर होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो लैटिन वर्ड में लिखा जाता है, लैटिन वर्ड। एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, क्लियर। तो पहला अपन ने क्या पढ़ा, दो नाम होंगे, पहला जो होगा वो जीनस और दूसरा स्पीशीज। और जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा, या फर्स्ट वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल के अंदर होगा। और लैटिन वर्ड यूज किया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, और इटैलिसाइज किया जाता है उसको, या इटैलिक्स के अंदर लिखा जाता है। अगर आप इटैलिक्स के अंदर, या हैंड रिटन है, अगर हैंड रिटन है, अगर हाथों से लिखा हुआ है या हस्तलिखित है, अगर हैंड रिटन है तो उसे अंडरलाइन करेंगे, ध्यान रखना अंडरलाइन। अगर इटैलिक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल हम लिख रहे हैं, तो अंडरलाइन किया जाएगा नीचे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। और एक और बात ये देखिए ये होती है कि देखिए अब हमेशा ध्यान रखना, देखिए जो साइंटिफिक नेम जो होता है, साइंटिफिक नेम के लास्ट में देखिए ये साइंटिस्ट होता है, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये जो साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका जिन्होंने डिस्क्राइब किया है, उनका नाम जो एब्रिवेटेड फॉर्म के अंदर लास्ट में लिखा जाएगा। समझा रही बात, कहने का मतलब जो साइंटिस्ट नेम होता है वो लास्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म के रूप में लिखा जाता है। जैसे ये देखिए एब्रीवेशन है, इधर है ना, किसका एब्रीवेशन है, कैरोलस लिनियस का एब्रीवेशन है ये, कैरोलस लिनियस कार लिनियस बोल दीजिए या कैरोलस लिनियस बोल दीजिए। तो कैरोलस लिनियस का एब्रीवेशन फॉर्म ये होता है, देखिए LINN. तो लास्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म लिखा जाता है। तो क्लियर हो गई बात, तो सी इसका सही आंसर होगा, मेंजीफेरा इंडिका। आप देख सकते हैं दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटलाइज्ड हो रखा है, देखिए ना कैपिटल में, और इटैलिक्स के अंदर लिखा हुआ है, और लास्ट में जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम के लास्ट में जो साइंटिस्ट का नेम है वो एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सही तरीके से पहचान है। ओके, अगला एमसीक्यू हमारा होने वाला है वो है, टैक्सोन है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तीसरा बोल रहा है स्टेटमेंट अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो आप क्या बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लास्ट वाला ऑप्शन डी। ओके, तो देखिए ये क्यों नहीं हुआ। तो देखिए अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर बोलते हैं। तो ये ऑर्डर की डेफिनेशन है, देखिए है ना, तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ओके, और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज ये जीनस की डेफिनेशन है। तो ये देखिए ऑर्डर और जीनस की डेफिनेशन है, तो ये देखिए सीधी सी बात है, ये होगा भी नहीं इसका ना। और अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो ये सा कोई सेंस नहीं बनता। लास्ट वाला देखिए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग है ना। तो सबसे पहले देखिए इसको समझने के लिए मैं एक चीज बना देता हूं जरा, जैसे अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं, तो कौन कौन सी होती है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास,
ऑर्डर, फैमिलीज, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो ये क्या है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं। ओके, तो ये जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं, जैसे किंगडम है, किंगडम क्या है, एक रैंक है या कैटेगरी है, या ऑर्डर है। फाइलम भी क्या है, एक रैंक है। इसी प्रकार से क्लास भी क्या, एक रैंक है। ऑर्डर भी क्या, एक रैंक है। फैमिली भी क्या, एक रैंक है। और जीनस भी रैंक है, स्पीशीज भी एक रैंक है ना। इस पर्टिकुलर रैंक के अंदर, जैसे मान लीजिए किंगडम है, तो किंगडम के अंदर देखिए प्लांट, एनिमली भी आ सकते हैं, प्लांटी भी आ सकते हैं, है ना। किंगडम में देखिए, जैसे मान लीजिए हम टाइगर का करके देखते हैं, टाइगर का क्लासिफिकेशन करके देखते हैं, तो टाइगर में देखिए जो किंगडम, टाइगर का किंगडम क्या होता है, एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है। फाइलम क्या होता है, कॉर्डेटा, फाइलम होता है कॉर्डेटा। क्लास होगी मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली होगी फिलिडी, जीनस पैंथ्रा, स्पीशीज होगी टिग्रिस। तो ये देखिए टाइगर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो एनिमेलिया, कॉर्डेटा, फाइलम क्या होता है, सॉरी किंगडम क्या होता है, एनिमेलिया टाइगर का, फाइलम होता है कॉर्डेटा, क्लास होती है मैमल, मैमेलिया, ऑर्डर होता है कार्निवोरा, और फैमिली होती है फिलिडी, जीनस होता है पैंथ्रा, और स्पीसीज होती है टिग्रिस। तो ये कहने का मतलब, ये जैसे एक एनिमेलिया है, तो एनिमेलिया क्या हो गया, टैक्सोन हो गया, क्या हो गया, टैक्सोन। कॉर्डेटा भी एक टैक्सोन है ना, और मेमलिया भी एक टैक्सोन है, कार्निवोरा एक टैक्सोन है, फिलिडी भी एक टैक्सोन है। ओके, तो इसी प्रकार से ये तो क्या हो गया, आपके टैक्सोन हो गए, और ये क्या होगी, आपकी रैंक्स होगी। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है, लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर, अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो कहने का मतलब, जो भी कोई भी एक रैंक हो सकती है, जैसे एनिमल की रैंक हो सकती है, एनिमल का ऑर्डर हो सकता है, कॉर्डेटा का एक ऑर्डर हो सकता है, मेमेलिया का ऑर्डर हो सकता है, समझ आ रही बात। तो कहने का मतलब, जो टैक्सोन क्या होता है, एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप की एक रैंक होती है, समझ आ रही बात। जैसे किंगडम मान लीजिए एक रैंक है, तो किंगडम के अंदर देखिए प्लांटी भी आ सकते हैं, एनिमेलिया भी आ सकते हैं, समझा रही बात। फाइलम के अंदर जैसे कॉर्डेटा है, तो नॉन कॉर्डेट्स भी आ सकते हैं। ओके, अगला हमारा एमसीक्यूज होने वाला है, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें गलत स्टेटमेंट देखना है कि भाई इन चारों में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कह रहा है कि भाई जो म्यूजियम होता है, उसके अंदर एनिमल और प्लांट की फोटोग्राफ्स का कलेक्शन होता है, क्या ये बात सही है। अगला देखिए, चलो कोई नहीं बताते हैं, अगला देखिए, की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। तो जो की होती है, जो टी की जो होती है, की एक प्रकार की क्या होती है, टैक्सोनॉमिक एड होती है। ये ऐसा बोल रहा है कि भाई जो की होती है, एक प्रकार की टैक्सोनॉमिक एड है, जो कि किसमें, कोई स्पेसिमेन है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज में ली जाती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। सी स्टेटमेंट बोल रहा है, देखिए, हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस। तो कहने का मतलब, जो हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम हाउसेस होते हैं, उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, उनको सुखाकर, दबाकर और हर्बेरियम शीट्स पे लगा के कलेक्शन किया जाता है उनका। ये हमारा सी क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। लास्ट स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट में क्या है, देखिए, बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस।
तो सही बात है, बॉटनिकल गार्डन के अंदर प्लांट्स को, लिविंग प्लांट्स होते हैं ना। आप देखिए इसका जो गलत स्टेटमेंट क्या है, इसका गलत स्टेटमेंट ये देखिए कि म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो म्यूजियम में देखिए फोटोग्राफ्स थोड़ी ना होती है म्यूजियम के अंदर, है ना, स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? स्पेसिमेंस इनके। ये तो नॉर्मल सी बात है, स्पेसिमेंस ही होंगे प्लांट्स और एनिमल्स के म्यूजियम के अंदर, ठीक है। तो फोटोग्राफ्स नहीं रखी जाती, उनमें स्पेसिमेंस होते हैं, जैसे कोई लिक्विड के अंदर या फॉर्मेलिन के अंदर डुबा के उनको रखा जाता है ना, ताकि, और बोन्स हो सकती हैं, इंसेक्ट्स के हो सकते हैं स्पेसिमेंस, है ना, प्लांट्स के स्पेसिमेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो म्यूजियम के अंदर स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, ना कि फोटोग्राफ्स। अगला देखिए, ये सही, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, देखिए, की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। तो सही बात है भाई, जो कीज होती है एक प्रकार की क्या है, टैक्सोनॉमिक एड होती है ना, जिसका यूज किसमें किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, स्पेसिमेंस किसके, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होने वाली एक टैक्सोनॉमिक एड है। की सी देखिए, सी क्या स्टेटमेंट है, हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड। तो ये सही बात है, हर्बेरियम के अंदर, मैंने जैसे बताया हर्बेरियम हाउस, हर्बेरियम के अंदर क्या किया जाता है, हर्बेरियम फाइल होती है, हर्बेरियम फाइल में हर्बेरियम शीट होती है, हर्बेरियम शीट में क्या करते हैं, कोई भी प्लांट होता है ड्राइड, उसको पहले प्लांट को क्या करेंगे, सुखाएंगे, दबाकर प्रेस करके और उसको उस पर चिपका देंगे, उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट, ये भी सही है। और लास्ट वाला जो देखिए, बॉटनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, नॉर्मल सी बात है, बॉटनिकल गार्डन के अंदर क्या होंगे, लिविंग प्लांट्स होंगे। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। अब निम्न में से कौन से माइक्रोब्स, ये बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं या पाए जाते हैं। तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं इसके अंदर, पहला दे रखा है देखिए यू बैक्टीरिया, क्या ये पाया जाता है। बी क्या दे रखा है, साइनोबैक्टीरिया, क्या ये पाया जाता है एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। सी दे रखा है माइकोबैक्टीरिया, और डी दे रखा है आर्किबैक्टीरिया। तो सीधी सी बात है, इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर कौन से होते हैं, आर्किबैक्टीरिया होते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा डी। तो इसका आंसर डी कैसे हुआ, देखिए आर्किबैक्टीरिया जो होता है ना, ये देख रहे हैं आप आर्किबैक्टीरिया, इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लेक्स होती है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड्स, ओके। तो कहने का मतलब, जो आर्किबैक्टीरिया है इनकी जो सेल वॉल है काफी कॉम्प्लेक्स होती है, जो कि पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। बाकी देखिए नॉर्मली इसकी भी पेप्टाइडिक ग्लाइकन की होती है, इसकी भी पेप्टाइडिक ग्लाइकन की होती है, इसकी भी पेप्टाइडिक ग्लाइकन की होती है, इन तीनों की पेप्टिडो, ठीक है। लेकिन आर्किबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, प्लस इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की शाखित श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, लिपिड्स ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, कहने का मतलब इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो इसी इन्हीं करेक्टर्स की वजह से जो आर्किबैक्टीरिया होता है वो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन या अनअडेप्टेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप ही लोग क्वेश्चन किस प्रकार से मैंने इसको किया। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। तो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन सम बैक्टीरियाज, सम साइनोबैक्टीरियाज आर, तो कहने का मतलब ऐसी मेम्ब्रेनस जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ये कह रहा है कि मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है,
उनके उनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब पिगमेंट्स कौन से होते हैं, देखिए पिगमेंट्स, देखिए क्लोरोफिल हो सकता है आपका, और कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, फाइकोबिलिन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसी मेम्ब्रेन्स जिसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, है ना, जो पिगमेंट्स को धारण करती हैं, ऐसी मेम्ब्रेन्स। और साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती हैं, तो उनको क्या, मतलब उनको क्या कहते हैं, क्या वो नेमेटोफोर्स होती हैं, क्या वो नेमेटोफोर्स होती हैं, क्या वो क्रोमेटोफोर्स होती हैं, क्या उन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं, क्या उन्हें बेसल बॉडीज कहते हैं। तो उसका देखिए सही आंसर क्या होगा, क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर्स के अंदर क्या पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, थैलेकोइड्स कह दीजिए, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, थैलेकोइड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोबिलिन्स है, जो उनको कलर प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, पिगमेंटेशन की वजह से उस मतलब रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेमेटोफोर्स क्या होती है, ये नेमेटोफोर्स क्या होती है, देखिए नेमेटोफोर्स तो क्या होती है, रूट्स होती हैं, ये तो रूट्स होती हैं जो कि मैनग्रोव्स के अंदर पाई जाती हैं, ये मैनग्रोव्स के अंदर पाई जाती है, ओके। और मैनग्रोव्स कहां पाए जाते हैं, मैनग्रोव्स कहां पाए जाते हैं, मार्शी एरिया के अंदर पाए जाते हैं, मार्शी एरिया के अंदर पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र, मार्शी वाटर लॉग्ड स्टेज वाले जो एरिया होते हैं उनमें उनमें देखने को मिलेंगे आपको मैनग्रोव्स। अब इनकी जो देखिए रूट्स जो होती है ना, उनका नेमेटोफोर्स रूट्स कहते हैं, क्योंकि वो क्या कहती है, भूमि से या जो होता है ना, भूमि से बाहर निकल जाती हैं, इसे है ना, ऊपर जो छेद होता है से बोलते हैं लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स ये छेद होता है, यहां से ऑक्सीजन गैस प्रवेश करती है, एंटर करती है, ये बाहर क्यों निकलती है, ताकि इनको ऑक्सीजन गैस मिल सके, क्योंकि रूट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस सही होगी ना, और नीचे जो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस वजह से ऑक्सीजन इन लेंटी सेल्स में प्रवेश होकर कहाँ चली जाती है, रूट सिस्टम के अंदर चली जाती है, ओके, जिस वजह से इनकी रूट्स बाहर निकली हुई रहती है, ये मैनग्रोव्स के अंदर होती है, ओके। अगला क्रोमेटोफोर्स आपको बताइए, अगला देखिए सी हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट क्या होती है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती है, किन के अंदर होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, ये हेटेरोसिस्ट, साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना नॉस्टॉक, तो ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं, जैसे एनाबिना है, समझ गए, हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती है जो कि साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। बेसल बॉडी क्या चीज होती है, देखिए बेसल बॉडी, बेसल बॉडी क्या होती है, ये फ्लैजिला का पार्ट है, ये फ्लैजिला का पार्ट है, ये फ्लैजिला का पार्ट था, है ना। तो फ्लैजिला में देखिए जैसे ये मेम्ब्रेन होगी या उसकी सरफेस होगी बैक्टीरिया की, इस प्रकार से, ये है बेसल बॉडी, ये होता है हुक, और ये होता है फिलामेंट, तो फ्लैजिला देखिए तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो बेसल बॉडी भी नहीं है इसका, ना हेटेरोसिस्ट है और ना ही नेमेटोफोर्स है, इसका सही उत्तर क्या है, क्रोमेटोफोर्स। अगला छठा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि माइकोप्लाज्मा के लिए गलत है, ऐसा बोल रहा है। तो पहला देखिए, दे आर प्लियोमॉर्फिक, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, प्लियोमॉर्फिक मतलब बहुरूपी, बहुरूपिया, ठीक है। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या, सी क्या बोल रहा है, दे कॉज डिजीज इन प्लांट, ये प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। और डी ऑप्शन क्या बोला, दे आर आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये होगा बी इसका जो होगा राइट आंसर होगा, है ना, क्योंकि देखिए होता क्या है, जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, माइकोप्लाज्मा, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल क्या होती है, इनके अंदर एब्सेंट होती है, और जो पेनिसिलिन जो होता है
पेनिसिलिन जो होता है ये किसको डिस्ट्रॉय करता है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, पेनिसिलिन सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। तो देखिए माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल ही नहीं है तो फिर पेनिसिलिन क्या करेगा, सही है ना। तो ये पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है, ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होती है, है ना। और पेनिसिलिन किस पे अटैक करता है, सेल वॉल पे अटैक करता है, है ना। और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं होती है तो पेनिसिलिन के प्रति माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है, दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। तो इसका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, सही बात है। अगला देखिए सी, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स, बिल्कुल ये प्लांट्स के अंदर डिजीज करते हैं, जैसे विचेस ब्रूम डिजीज हो गई, एस्टर येलो डिजीज हो गई, ओके। दे आर ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ, इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं इनको, है ना, क्योंकि ये देखिए जो कैटल्स में इनके जो प्लूरल फ्लूड के अंदर देखने को मिले थे, इस वजह से इनको प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, प्लस ये उनमें एक निमोनिया डिजीज कॉज कर रहे थे, ठीक है, इसलिए इनको पीपीएलओ प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है, ठीक है। और प्लियोमॉर्फी का मतलब उनकी ये बहुरूपी होते हैं, मतलब इनकी सेल वॉल तो होती नहीं, इनकी पर्टिकुलर कोई शेप होती नहीं है, इस वजह से ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन हमारा ये है, डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सेल वॉल का डिफरेंस है। बी स्टेटमेंट बोल रहा है सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। सी स्टेटमेंट बोल रहा है राइबोसोम का डिफरेंस है। और डी स्टेटमेंट बोल रहा है साइटोप्लाज्म का डिफरेंस है, ओके। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल का डिफरेंस होता है। देखिए ये आंसर उसका क्या होगा, सही होगा। साइटोप्लाज्म दोनों में एक जैसा ही होता है, राइबोसोम दोनों के अंदर 70S हैं तो 70S दोनों के अंदर होंगे, चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो। सेल मेम्ब्रेन वही लाइपोप्रोटीनियस होती है दोनों के अंदर, कोई डिफरेंस नहीं है। सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल अलग होती है देखिए दोनों के अंदर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव के बारे में, बैक्टीरिया थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसे ये ग्राम पॉजिटिव हो गया और इधर ग्राम नेगेटिव, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखिए पेप्टाइडिक ग्लाइकन की मोटी लेयर होगी। से मान लीजिए पेप्टाइडिक ग्लाइकन है, इसकी मोटी लेयर और नीचे होगी सेल मेम्ब्रेन। ये तो है सेल मेम्ब्रेन और ये होगी सेल वॉल। इसकी बनी हुई होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की, जबकि अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो पतली होती है, पतली होती है। तो ये रही पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर और इसके जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी आपकी। तो ये तो होगी सेल मेम्ब्रेन और ये होगी इसकी सेल वॉल, क्योंकि पेप्टाइडिक ग्लाइकन की बनी हुई है और इस पतली पेप्टाइडिक ग्लाइकन लेयर के ऊपर जस्ट होती है आउटर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर होती है आउटर मेम्ब्रेन। ये होगी आउटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं, एलपीएस पाए जाते हैं। ठीक है, लाइपोपॉलीसेक्राइड्स या एलपीएस पाए जाते हैं, इनमें टिकोइक एसिड्स होते हैं, इनमें होते हैं टिकोइक एसिड। तो ये डिफरेंस है दोनों की, सेल वॉल का डिफरेंस है दोनों में। अगला क्वेश्चन हमारा एट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला देखिए क्या बोल रहा है, ये साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको किस में क्लासिफाइड किया जाता है, मोनेरा के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है। ओके, अगला स्टेटमेंट देखते हैं, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये कह रहा है कि ना जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो केवल मेनली
क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। सी बोल रहा है स्लाइम मोड्स आर सेपरोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स, जो स्लाइम मोड्स होते हैं वो सेपरोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्लासिफाइड अंडर मोनेरा किंग। मोनेरा कहने का मतलब जो ये कह रहा है कि जो स्लाइम मोड्स होते हैं वो मोनेरा में आते हैं और सेपरोफाइटिक होते हैं। और डी क्या बोल रहा है, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम और सेल वॉल। तो इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके अंदर, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर ये वाला है, देखिए ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों ए करेक्ट क्यों है, क्योंकि देखिए साइनोबैक्टीरिया के ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बात सच है ना, क्योंकि इनमें देखिए प्लांट लाइक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए पाया जाता है इनके पास, है ना, तो ऑटोट्रॉफिक हो गई है। और अंडर क्लासिफाइड अंडर मोनेरा के अंदर आते हैं साइनोबैक्टीरिया, सीधी सी बात है ना, मोनेरा के अंदर कौन कौन से यू बैक्टीरिया हैं आपके, और एक्टिनोमाइसिटीज हो गई, साइनोबैक्टीरिया हो गए, तो ये सारे, और माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सारे मोनेरा के अंदर आते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स आते, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक जितने भी प्रोकैरियोट सारे मोनेरा के अंदर आएंगे। तो ये स्टेटमेंट इजीली इजी था क्वेश्चन, और फर्स्ट वाला जो होगा स्टेटमेंट वो सही होगा। अब ये गलत क्यों है, देखिए ये भी चेक करते हैं कि भाई ये बी और सी और डी क्यों रॉन्ग है। देखिए बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऐसा जरूरी नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, है ना। स्लाइम मोड्स आर सेपरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर मोनेरा किंगडम। तो स्लाइम मोड है, देखिए ये मोनेरा में नहीं आता, ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है, मोनेरा में नहीं आता, ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है। स्लाइम मोड्स किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर, सेपरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन आता किसके अंदर है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है स्लाइम मोड। ओके, डी क्या बोल रहा है, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम होता है, डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, लेकिन सेल वॉल ये एब्सेंट होती है, ये एब्सेंट होती है। देखिए तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसका सही स्टेटमेंट कौन सा है और क्यों है। क्वेश्चन 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट। इसमें हमें करेक्ट मैच बताना है, कौन सा करेक्ट मैच है, ठीक, करेक्ट मिलान जिसे बोलते हैं। ए देखिए क्या है, म्यूका में रिप्रोडक्शन होता है बाय कॉन्जुगेशन, और किसका मेंबर है ये, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। बी क्या बोल रहा है, एगरिगस, ये एक पैरासाइटिक फंगस होता है, ऐसा बोल रहा है ये, और बेसिडोमाइसिटीज के अंदर आता है ये। सी है फाइटोप्थोरा, ये क्या होता है, एक एसेप्टेट माइसिलियम, इसमें एसेप्टेट माइसिलियम होता है और ये बेसिडोमाइसिटीज के अंदर आता है। और लो लास्ट जो मिलान है वो बता रहा है कि भाई अल्टरनेरिया, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और किसके अंदर आता है, ये डिटेरोमाइसिटीज के अंदर आता है ये। तो इसमें करेक्ट मिलान क्या है, करेक्ट मिलान है ये डी, अल्टरनेरिया। देखिए इससे एक डिजीज होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, है ना, और किसके अंदर आता है ये अल्टरनेरिया, डिटेरोमाइसिटीज के अंदर आता है ये, है ना, और डिटेरोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं इसे, है ना, इस वजह से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब देखिए ऊपर म्यूकर, देखिए जो म्यूकर होता है वो एस्कोमाइसिटीज के अंदर नहीं आता, एस्कोमाइसिटीज के अंदर नहीं आता म्यूकर, ये फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है म्यूकर, फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है म्यूकर, आता है फाइकोमाइसिटीज के अंदर, जैसे राइजोपस रोटी कवक जिसे बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, म्यूकर, एल्बुगो, ये सारे किस्म आते हैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो मैच है वो रॉन्ग है। बी देखिए, एगेरिकस एक पैरासाइटिक फंगस है जो कि बेसिडोमाइसिटीज के अंदर आता है। तो देखिए जो एगेरिकस होता है ना, ये पैरासाइटिक फंगस नहीं है, ये सेपरोफाइटिक होता है, ध्यान रखना। एगेरिकस क्या होता है, एगेरिकस क्या, मशरूम हो गया आपका, तो ये किसका, ये है सेपरोफाइटिक, ये होता है सेपरोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक
तो ये मिलान भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर सी देखिए, फाइटोप्थोरा एसेप्टेड माइसिलियम होता है इसके अंदर, और माइस और बेसिडोमाइसिटी इसके अंदर पाया जाता है। तो फाइटोप्थोरा ये एसेप्टेड माइसिलियम गलत है देखिए। ओके, तो इनमें क्या होता है, सेप्टेट होता है, ध्यान रखना, सेप्टेट माइसिलियम। ओके, अगला 10th क्वेश्चन क्या बता रहा है, विरोइड्स विरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, जो विरोइड्स होते हैं वो वायरस से डिफरेंट क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं डिफरेंट। तो देखिए जो वायरस होता है ना, देखिए वायरस के अंदर जो वायरस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, जैसे वायरस के अगर अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, तो वायरस जो होता है उसमें क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए, डीएनए भी हो सकता है आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, और प्रोटीन आवरण या प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैप्सिड हो गया और इसके अंदर ये कोई डीएनए हो गया, है ना, ये कैप्सिड, कैप्सिड और ये हो गया मान लीजिए डीएनए। तो वायरस के अंदर प्रोटीन पार्ट, ये प्रोटीन कोट, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। तो ये वायरस की नॉर्मल संरचना के बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए विरोइड्स जो होते हैं ना, तो विरोइड्स क्या होते हैं, विरोइड्स जो विरोइड्स होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है इनके अंदर, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है इनके अंदर, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए पाया जाता है किसके अंदर, विरोइड्स के अंदर। इनमें जो आवरण होता है या प्रोटीन कोट होता है या जो कैप्सिड होता है ये एब्सेंट होता है, कैप्सिड या प्रोटीन पार्ट, कैप्सिड क्या होता है, एब्सेंट होता है इनके अंदर। तो ये छोटी मोटी बातें थी जो मैंने बताई आपको, वायरस और विरोइड्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, और जो कैप्सिड होगा वो एब्सेंट होगा, जबकि वायरस के अंदर ही दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो देखिए अब अपन को देखना है कि भाई इसका सही आंसर क्या है। देखिए तो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर विदाउट प्रोटीन, प्रोटीन कोट नहीं होता, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये ऐसा कह रहा है। बी देखिए आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विद प्रोटीन कोट, है ना, प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। सी देखिए आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, ठीक है, कहने का मतलब आरएनए मॉलिक्यूल होता है इनमें और बिना प्रोटीन कोट के आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है इनके अंदर। और डी क्या बता रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, इनमें डीएनए मॉलिक्यूल होता है और प्रोटीन कोट भी पाया जाता है इनके अंदर। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ये आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं विदाउट प्रोटीन कोट। अगला हमारा 11th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखना है कि भाई इन चारों में से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द टर्म कंटेजियम विवम फ्लिडम वॉज कॉइंड बाय विजरिनेक, ठीक है, तो ये बात क्या सही है, क्या विजरिनेक ने बताया कि कंटेजियम विवम फ्लिडम, बिल्कुल ये बात सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, मोजेक डिजीज इन तंबाकू टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग कॉज्ड बाय वायरसेस, कहने का मतलब तंबाकू का मोजेक वायरस है, जो मोजेक डिजीज है वो किससे होता है, ये टीएमवी से होता है, तंबाकू मोजेक वायरस से होता है, और एड्स किससे, एचआईवी से होता है, एचआईवी वायरस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। सी देखिए, द विरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है, तो उसका आंसर होगा सी। और डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टैनली
showed that viruses could be crystallized. बिल्कुल सही बात है. तो स्टैनले ने ही वायरस का सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किया था. तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना. तो इसका आंसर क्या होगा, द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे एवोनस्की. तो एवोनस्की ने खोज नहीं की थी इसकी सॉरी वायरॉइड की खोज किसने की थी, डाइनर ने की थी इसी खोज, ना कि एवोनस्की ने. अगला 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है. तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ पीओ या डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट. कह रहा है कि भाई जो एल्गीज होते हैं क्या करते हैं, डीओ की मात्रा को के लेवल को बढ़ा देते हैं या डिजोल्व ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड किरागिनिन इज फ्रॉम ब्राउन एल्गी. तो ये कह रहा है कि भाई जो एल्जीन होते हैं वो रेड एल्गी से मिलता है और किरागिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी से मिलता है. सी स्टेटमेंट देखिए, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया. और लास्ट वाला देखिए, लेमिनेरिया एंड सागसम आर यूज एज ए फूड. सी फूड के रूप में यूज लिया जाता है लेमिनेरिया और सार्गेसम. तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है ना, तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट ये है. देखिए, एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड केरागिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी. तो देखिए जो एल्जीन होता है ना, एल्जीन ये हमें किससे प्राप्त होता है, ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है. एल्जीन हमें ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है ना. तो एल्जीन क्या चीज होती है, एल्जीन एक जिलेटिनस या जिलेटिन युक्त जिलेटिनस आवरण होता है, एक कवरिंग होती है. कहने का मतलब इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती ना, इनकी जो वेजिटेटिव सेल वॉल पर एक जिलेटिन का आवरण पाया जाता है, जिलेटिनस या जिलेटिन का आवरण पाया जाता है, कोटिंग पाई जाती है, इसे हम एल्जीन बोलते हैं. ये ब्राउन एल्गी में पाई जाती है, ये ब्राउन एल्गी में पाई जाती है. तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है. और किरागिनिन किसे प्राप्त किया जाता है, ये रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है. ओके, और ऊपर वाले भी स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन आंसर इसका ये होगा. देखिए, ओके, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट. देखिए जो एल्गी होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. एल्गी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. और फोटोसिंथेसिस में सब प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन. ओके, तो ऑक्सीजन सब प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस से. तो कहने का मतलब ये है कि भाई एल्गीज होते हैं वो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं. ठीक है, अगर वो पॉन्ड है, अगर वो ओशन है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएंगे ये. अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, तो सही बात है, इनसे ही प्राप्त किया जाता है. तो अगर का यूज किसमें, जैसे आइसक्रीम बनाने में और ये जेलीज बनाने में और कल्चर मीडियम बनाने में यूज में लिया जाता है अगर का. और ये लेमिनेरिया और सार्गसम का यूज किस में होता है, फूड के रूप में होता है. नॉर्मल सी बात है, जो कि एनसीईआरटी में नॉर्मली दे रखी है सारी चीजें. अगर ढंग से पढ़ी हो तो आप इजीली हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. क्वेश्चन 13, आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड कैमिट्स इज फॉर्म इन. कहने का मतलब इज फाउंड इन, तो कहने का मतलब ये है कि भाई आइसोगेमस कंडीशन और विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, तो किसके अंदर, इन चारों में से किसके अंदर आइसोगेमस कंडीशन होती है, और जो आइसोगेमस कंडीशन कैसी है, नॉन फ्लैजिलेटेड होनी चाहिए, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होने चाहिए. क्या वो वॉल्वॉक्स के अंदर होता है, क्या वो फ्यूकस के अंदर होता है, क्या वो क्लेमिडोमोनास के अंदर होता है, क्या वो स्पायरोगायरा के अंदर होता है. तो देखिए अब होता क्या है, देखिए जैसे हम गैमेटिक फ्यूजन की बात करते हैं,
जो गैमेट्स होते हैं उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों गैमेट्स के कैसे हैं, सिमिलर साइज के हैं, तो उसको बोलेंगे हम आइसोगैमस। अगर सिमिलर साइज के नहीं है तो उसको बोलते हैं हम एनआइसोगैमस। एक और होता है ओगैमस, आइसोगैमस, एनआइसो और ओगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, जो गमीट्स होते हैं सिमिलर साइज के होते हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन होती है, वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं मतलब मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो फ्लैजिलेटेड कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका क्लेमेडोमोनास है, क्लेमेडोमोनास और हीलोथ्रिक्स, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। और नॉन फ्लैजिलेटेड के अंदर क्या आता है, आपका स्पायरोगायरा आता है। क्या आता है, स्पायरोगायरा, ईरा, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइसोगैमस कंडीशन, आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड है, इस प्रकार के गमीट्स क्या कहलाएंगे आपके, आइसोगैमस कहलाएंगे। और किसके अंदर स्थिति होती है, ये होती है स्पायरोगायरा के अंदर। तो उसका आंसर क्या होगा, क्या होगा आपका, ये होगा, ठीक है। और फ्यूकस और वॉल्वॉक्स के अंदर कैसी कंडीशन होती है, ओगैमस होती है। एनाइसोगैमस के अंदर क्या होता है, देखिए सिमिलर साइज के नहीं होते, ये नॉट इन सिमिलर साइज, ओगैमस के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट कैसी होती है, लार्ज होती है और नॉन मोटाइल। और मेल गैमेट कैसा होता है, मेल गैमेट कैसा होता है, छोटा होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, स्पायरोगायरा। अगला क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, गलत मिलान देखना है हमें कि गलत मिलान कौन सा है। तो पहला देखिए क्या है, ए स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा क्या होता है आपका, मोटाइल गैमेट बता रहा है, है ना, क्या बता रहा है, मोटाइल गैमेट। तो ये देखिए रॉन्गली मैच्ड है। अगला देखिए बी, सार्गासम के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, होता है, बिल्कुल होता है, सही बात है। बेसिडोमाइसिटिस के अंदर पफ बॉल पाई जाती है, बिल्कुल, बेसिडोमाइसिटिस के अंदर पफ बॉल है, मशरूम है, एगेरिकस है, ये सब बेसिडोमाइसिटिस में पाए जाते हैं। नॉस्टॉक से वाटर ब्लूम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जो स्पायरोगायरा जो होता है वो आइसोगैमस विद नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि हमने गलत छांटना है इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। सार्गासम के अंदर क्लोरोफिल होता है, सही बात है। एसिडोमाइसिटीज में जैसे मैंने बताया आपको एगेरिकस और पफबॉल, और नॉस्टॉक वाटर ब्लूम होता है। तो वाटर ब्लूम जैसे क्या होता है, जैसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज होने से, जो अगर मान लीजिए ज्यादा फर्टिलाइजर्स हो गए, और जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, अगर ज्यादा से ज्यादा इनका, अगर किसी, कहने का मतलब किसी पॉन्ड के अंदर, अगर ज्यादा से पॉन्ड के अंदर या फिर ओशियंस के अंदर अगर फर्टिलाइजर्स की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये जो एनाबीना नॉस्टॉक जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं, है ना, और इतनी ज्यादा ग्रोथ करते हैं कि ना उधर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, और जिस वजह से जो इकोसिस्टम क्या हो जाता है, खतरे में हो जाता है। अगला 15 क्वेश्चन क्या है, देखिए, एग्जामिन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविंग ऑल द थ्री पार्ट्स ए बी एंड सी राइटली आइडेंटिफाइड। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, कोई डायग्राम है, किसका डायग्राम है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये मार्केंशिया का डायग्राम है, ये मार्केंशिया का डायग्राम है, ये है ना, सबसे पहले, क्योंकि एनसीईआरटी वाला डायग्राम आया है, देखिए ना,
तो हमें सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी की जितनी भी डायग्राम वगैरह है हमें अच्छी तरीके से देखने हैं, अच्छी तरीके से उनके पार्ट्स को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना है। समझ आ रही बात? क्योंकि एग्जाम्स में एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम्स दे रखे हैं वो एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एनसीईआरटी सलियावा डायग्राम है और मार्केंचर का ये क्या है, एक चित्र है, डायग्राम है। उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है ये ए क्या है, बी क्या है और ये सी क्या है ना। तो ए बी और सी, ए देखिए इसमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है आर्किगोनियोफोर। ए क्या आर्किगोनियोफोर है, बी क्या है जेमा है और सी क्या है राइजॉइड है। और इस बी स्टेटमेंट क्या बता रहा है, आर्किगोनियोफोर बर्ड है या फिर फुट, और सी मतलब फुट। फिर बता रहा है सीटा प्रोटोनीमा राइजॉइड एंथीरो एंथीरो एंथ्रीडियो फोर ग्लोब्यूल और रूट। तो इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ये। तो ये क्या होता है, आर्किगोनियो फोर का देखिए डायग्राम है ये, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, ये बारीकी से ध्यान रखना है, आर्किगोनियो फोर और एंथ्रीडियो फोर का जो चित्र बना रखा है वो अलग अलग है, है ना। तो ये किसका बता रखा है, ये देखिए ऐसी स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर किसकी है आपकी, आर्किगोनियो फोर की है। और ये आपका जमा कप है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनके अंदर सीधी सी बात है ब्रायफाइटा है तो लीवर वर्ट है, तो इनके अंदर क्या पाए जाएंगे आपके, राइजॉइड्स पाए जाते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, ये वाला ए ऑप्शन। अगला 16 क्वेश्चन है, स्ट्रोबिली कोन आर फाउंड इन, स्ट्रोबिली कोन किनके अंदर पाया जाता है। तो देखिए किसके अंदर पाया जाता है, साल्विने के अंदर पाया जाता है या फिर टेरिस के अंदर पाया जाता है या बार्केंशिया के अंदर होता है या इक्विसिटम के अंदर होता है। तो स्ट्रोबिली कोन किसके अंदर पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा इक्विसिटम। इक्विसिटम आंसर इसका सही क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो ढंग से तो देखिए अगर आपको उसमें डायग्राम्स में भी मेंशन है, प्लस अगर आपने डायग्राम देखा होगा इक्विसिटम का ऐसा बना रखा है, तो ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम बना रहा हूं मैं, ऐसे डायग्राम बना रखा है। इधर ब्रांच, ये ब्रांचेस होती हैं और नोड और इंटर नोड, ये तो गया इसका स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस या कोन बोल दो, एक ही बात है, कोन। ये ब्रांचेस होती हैं, ये क्या है, ये ब्रांचेस हैं और ये होगी नोड और ये होगी इंटरनोड। नोड और इंटरनोड और नीचे होगी इसकी राइजॉइड्स हो जाएंगी नीचे, ये राइजॉइड्स। तो मतलब ये डायग्राम आपका इक्विसिटम का डायग्राम एनसीईआरटी वाली किताब के अंदर बना रखा है और इसमें आप देखना कि स्ट्रोबिलस पद बना रखा है इधर ना, स्ट्रोबिलस स्ट्रोबिली इसे कोन भी बोलते हैं, है ना। तो ये कोन कैसे बनता है इनके अंदर, जैसे किसके अंदर बनता है, ये सेलिजिनिला और इक्विसिटम के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना। जो स्ट्रोबिली होती ना, स्ट्रोबिली कोन, ये किसके अंदर पाया जाता है, सेलिजिनिला एंड इक्विसिटम के अंदर, सेलिजिनिला और इक्विसिटम के अंदर पाया जाता है ये स्ट्रोबिली कोन। होता क्या है, जो बीजाणुपण होते हैं, बीजाणुपण या फिर स्पोरोफिल्स होते हैं, या स्पोरोफिल्स, जो स्पोरोफिल्स होते हैं, ये स्पोरोफिल्स आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, कोन बना लेते हैं। इन कोन को बोलते हैं हम स्ट्रोबिले या स्ट्रोबिलस बोल दो या स्ट्रोबिली बोल दो, एक ही बात है। अगला 17 क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच, हमें मिसमैच सेलेक्ट करना है कि कौन सा मिसमैच है इसके अंदर। तो पहला क्या है, साइकस एक डाइसियस होता है, डाइसियस होता है, साल्विनिया एक हिटेरोस्पोरस है, इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है और पाइनस
क्या होता है डाइशियस। ओके तो देखिए साइकस डाइशियस होता है तो ये सही है, साल्विनिया हेटेरोस्पोरस होता है ये भी सही है, इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है ये बात भी सही है, और लास्ट वाला क्या बता रहा है पाइनस डाइशियस होता है तो गलत है, पाइनस डाइशियस नहीं होता, पाइनस होता है मोनोइशियस, मोनोइशियस ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। हाँ देखिए मोनोइशियस और डाइशियस का मतलब आपको पता होना चाहिए, मोनोइशियस में मतलब ये होता है कि मतलब जो कहने का मतलब एक ही बॉडी है मतलब, और उसी एक ही प्लांट बॉडी है, एक ही प्लांट बॉडी है, उस एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल ऑर्गन, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, या मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पर है तो उसको हम बोलेंगे मोनोइशियस। अगर अलग अलग बॉडीज पर है, अलग अलग प्लांट बॉडीज पर है ऑर्गन्स मेल और फीमेल ऑर्गन्स, तो उसे हम बोलेंगे डाइशियस। ठीक है तो ये हो गया मोनोइशियस और डाइशियस का मतलब। आप देखिए बात करते हैं हम टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स होते हैं आपके क्या होते हैं होमोस्पोरस नेचर के होते हैं, है ना, कहने का मतलब इनमें जो स्पोर्स होते हैं उनकी जो शेप होती है, जो साइज होता है, शेप होती है वो सिमिलर होती है, लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जैसे सेलेजिनिला और साल्विनिया, सेलेजिनिला और साल्विनिया जिनके अंदर हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है सब कुछ। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, निम्न में से बताइए कि कौन सा, किसका गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होता है, अलग मतलब इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जीता वो, ठीक है मतलब वो प्लांट बॉडी पर ही होगा, तो हमें देखना है किसके अंदर ऐसी स्थिति होती है। तो देखिए पहला बता रहा है ये टेरिस, बी बता रहा है पाइनस, सी है फ्यूनेरिया और डी है मार्केंशिया, तो किसके अंदर ऐसी स्थिति होती है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा पाइनस। तो पाइनस क्यों हुआ कि पाइनस के अंदर के देखिए जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, पाइनस जो होता है ना उसके अंदर जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो प्लांट बॉडी पर ही होते हैं, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं प्लांट बॉडी पर। जबकि टेरिस देख लीजिए, फ्यूनेरिया देख लीजिए, मार्केंशिया देख लीजिए, इनके अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होता है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। पहला, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म का एक टिपिकल फीचर है ये स्टेटमेंट बता रहा है। बी स्टेटमेंट देखिए, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन, कहने का मतलब जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए भी होता है, सी भी होता है, फ्यूकोजेंथिन भी होता है। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ठीक है कहने का मतलब जो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म के अंदर आर्किगोनिया पाया जाता है। और डी बता रहा है म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, म्यूकर में जो जूस, कहने का मतलब म्यूकर के अंदर ये बोल रहा है कि जूस्पोर होते हैं और वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा सही, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है इसके अंदर क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट देखिए ये है डी, म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, तो म्यूकर में बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर नहीं होते हैं, म्यूकर के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, क्या होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं जो कि कैसे होते हैं नॉन मोर्टाइल होते हैं,
कैसे होते हैं नॉन मोटाइल, है ना। और बाकी देखिए बाकी स्टेटमेंट्स भी चेक कर लेते हैं, तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो ये है, बाकी जो है वो स्टेटमेंट वो सही है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकली फीचर, देखिए होता क्या जिम्नोस्पर्म के अंदर जैसे एंजियोस्पर्म की तरह डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन तो पाया नहीं जाता, है ना। तो इनके अंदर कैसा होता है, प्री फर्टिलाइज्ड एंडोस्पर्म होता है इनके अंदर, जो कि हैप्लॉइड होता है, ध्यान रखना, प्री फर्टिलाइज्ड एंडोस्पर्म होता है इनके अंदर, यह टिश्यू होता है, ठीक है। बी देखिए ब्राउन एल्गी है, सही बात है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए भी होता है, सी भी होता है, फ्यूकोजेंथिन भी होता है, ठीक है। और सी स्टेटमेंट देखिए, आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। आर्किगोनिया देखिए ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा में तो पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में कुछ में होता है, ध्यान रखना, सभी में नहीं होता, कुछ में। जिम्नोस्पर्म में ज्यादा क्या वो मिलेगा आपको, ओव्यूल मिलेगा, ओव्यूल, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट भी सही है, और गलत स्टेटमेंट क्या है, डी म्यूकर हैज बाइफ्लेजिलेट जूस्पोर। अगला 20 क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर। एक्टोकार्पस और फ्यूकस की जो लाइफ साइकिल कौन सी होती है ये हमें बताना है, क्या वो डिप्लोंटिक हैप्लोंटिक होती है, क्या वो हैप्लोंटिक डिप्लोंटिक होती है, हैप्लोडिप्लोंटिक डिप्लोंटिक होती है, क्या वो हैप्लोडिप्लोंटिक हैप्लोंटिक होती है, क्या वो हैप्लोंटिक डिप्लोंटिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक्टोकार्पस और फ्यूकस के अंदर, तो इसका आंसर ये होगा बी, हैप्लोडिप्लोंटिक, हैप्लोडिप्लोंटिक होती है एक्टोकार्पस के अंदर और डिप्लोंटिक होती है फ्यूकस के अंदर, ओके। अब देखिए एक्टोकार्पस और फ्यूकस, देखिए ज्यादातर देखिए एल्गीज के अंदर आपको हैप्लोंटिक साइकिल देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर हैप्लोडिप्लोंटिक होती है और या फिर डिप्लोंटिक होती है, ठीक है। तो एक्टोकार्पस के अंदर होगी हैप्लोडिप्लोंटिक और फ्यूकस के अंदर होगी डिप्लोंटिक। हैप्लोंटिक ज्यादातर हैप्लोंटिक साइकिल एल्गीज के अंदर, डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल ज्यादातर किसके अंदर, एंजियोस्पर्म है आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर, और हैप्लोडिप्लोंटिक किसके अंदर होती है आपकी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इनके अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विथ बाइलेटरल सिमेट्री। कौन से जंतु या कौन से एनिमल जिनके अंदर सत्य सिलोम या ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोम पाई जाती है जिनके अंदर और बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, तो किन के अंदर होता है ट्रू सिलोम, क्या वो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा के अंदर होता है, इकाइनोडर्म्स के अंदर होता है, क्या वो एश्किलमिंथीस के अंदर होता है, क्या वो प्लेटी एलमिनथीस के अंदर होता है, क्या वो एनेलिडा के अंदर होता है। तो इसका सही आंसर होगा एनेलिडा के अंदर क्या होता है, सत्य सिलोम भी होती है, ट्रू सिलोम भी पाई जाती है और बाइलेटरल सिमेट्री भी प्रदर्शित करते हैं, ये शो करते हैं, है ना। तो देखिए आगे देखिए मैं थोड़ा सिलोम के बारे में चर्चा कर लेते हैं ना, थोड़ी सी सिलोम भी देखिए तीन प्रकार की होंगी, एसिलोमेट एक होते हैं, सुडोसिलोमेट एक, यूसिलोमेट। तो तीन प्रकार की सिलोम पाई जाती है जानवरों के अंदर, जानवर कैसे होते हैं, एसिलोमेट भी होते हैं और सिडोसिलोमेट भी होते हैं और यूसिलोमेट भी होते हैं। तो एसिलोमेट में देखिए क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा जर्म लेयर के बारे में, एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में, सबसे बाहर वाली जो जर्म लेयर होती है उसे बोलते हैं हम एक्टोडर्म, ये तो होगी एक्टोडर्म, बीच में होती है एंडोडर्म, और बीच में होती है मेसोडर्म। तो ये जर्म लेयर्स होती हैं तीनों।
एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो देखिए जो एसिलोमेट के अंदर क्या होता है, देखिए सिलोम का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है, कैविटीज होती है, कैविटी बॉडी कैविटीज होती है, स्पेस जिसे कहते हैं, समझ आ रही बात। अब होता क्या है एसिलोमेट के अंदर, देखिए जो मेसोडर्म कैसी होती है, सेलुलर होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कैविटी या स्पेस नहीं होता, समझ आ रही बात। ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर मेसोडर्म मेसोडर्म स्प्लिट नहीं होती है, स्प्लिट होकर कोई भी मतलब कैविटी नहीं बनाती है, ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे हम एसिलोमेट। ठीक है, सुडोसिलोमेट के अंदर देखिए आपको कैविटी देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको मेसोडर्मल पाउचेस देखने को मिलेंगे इसके अंदर। क्या देखने को मिलेंगे? मेसोडर्मल पाउचेस, इधर मेसोडर्मल पाउचेस होते हैं ये, ऐसे ये है मेसोडर्मल पाउचेस। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं इनको बोलेंगे हम सुडोसिलोमेट। यूसिलोमेट में कैसी होगी? ट्रू सिलोम्स होंगे। कैसे होंगे? ट्रू सिलोम। ये कैसे होते हैं? ट्रू सिलोमेट होते हैं, या सिलोम पाई जाती है इनके अंदर, ट्रू सिलोम पाई जाती है इनके अंदर। कैसी होती है ट्रू सिलोम? ये रही सिलोम। एसिलोमेट के अंदर सिलोम नहीं होती है, सिडो के अंदर कैसी होती है? फाल्स फाल्स सिलोम। और यू सिलोमेट कैसे होते हैं? आपके ट्रू सिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट कौन से होंगे? एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे प्लेटी एलिमेंट, आपके प्लेटी एलिमेंथीज हो जाएगा आपका, प्लेटी एलमेंथिस आपके क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। सिडोसिलोमेट कौन होते हैं आपके? एश्केलमेंथिस। एश्केलमेंथिस। और यूसिलोमेट कौन से होते हैं आपके? आपके एश्केलमेंथिस के आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे आपके आपके इकाइनोडर मेटा हो गए, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, सेकोर्डेटा, जितने भी हैं सारे क्या होंगे आपके? यूसिलोमेट होंगे। ओके, तो एनलिडा क्या है आपका? देखिए जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है यूसिलोमेट, तो एनलिडा क्या होगा आपका? यूसिलोमेट। सत्य सिलोम पाई जाती है इनके अंदर, ट्रू सिलोमेट होते हैं ये, है ना? देखिए ये दे रखा है ट्रू सिलोमेट। और बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सीधी सी बात है, इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। जबकि थोड़ी सिमेट्री के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी हम सिमेट्री के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सिमेट्री कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, और तीसरा बाइलेटरल सिमेट्री। सिमेट्रिकल, ठीक है, तो ये तीन प्रकार की सिमेट्री होती है। एसिमेट्रिकल वाले कौन से होते हैं? जैसे पोरीफेरा है, मतलब सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी काल्पनिक अक्ष या काल्पनिक रेखा या एक काल्पनिक एक्सिस से हम किसी को जानवर को दो समान भागों में मतलब अगर नहीं बांटते हैं, मतलब
जैसे कोई भी जानवर है, जैसे पोरीफेरा का एग्जांपल देता हूँ, जैसे पोरीफेरा। अब पोरीफेरा की देखिए स्ट्रक्चर अजीब सी होती है काफी, है ना। तो इसे आप कोई भी अगर काल्पनिक रेखा काट लीजिए, कोई भी, जैसे इस साइड से काट रहा हूं, आभासी रेखा या काल्पनिक रेखा या काल्पनिक एक्सिस से काटने पर हमें दो समान इक्वल पार्ट्स में अगर जानवर नहीं डिवाइड हो पाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल कौन से होते हैं, जैसे हम, जैसे स्टारफिश देख लीजिए, स्टारफिश देख लीजिए, तो ये एडल्ट इकाइन ऑर्डर में है ना, स्टारफिश इज एडल्ट इकाइन ऑर्डर। यहां से काट लीजिए तभी समान भाग प्राप्त होंगे। एक से ज्यादा अगर हम इस जीव को काल्पनिक रेखाओं से काटते हैं तो हमें एक से ज्यादा भाग प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, से यहां से काट लीजिए इसको तभी दो समान भाग प्राप्त हो रहे हैं, दो समान पार्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और उसको यहां से काट लीजिए, जैसे यहां से काट लीजिए इसे, तभी दो समान भाग प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हम रेडियली सिमेट्रिकल। तो इसमें क्या 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 होंगे, देखिए जैसे एक तो होगा आपका सिलेंट्रेटा, इसका क्या एग्जांपल का क्या होगा, एक तो होगा आपका सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्म। जैसे स्टारफिश है, बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ही देख लीजिए, ह्यूमंस को देख लीजिए, कोई भी एक काल्पनिक अक्ष से काटिए बीचों बीच, तो हमें दो समान भाग प्राप्त हो जाएंगे, है ना। यहां से काटिए तभी दो समान भाग प्राप्त नहीं होने वाले, केवल एक ही रेखा से, एक स्पेसिफिक लाइन से ही काटोगे ना तभी आपको दो समान भाग प्राप्त होंगे। तो ऐसे जानवर क्या खिलाएंगे आपके, बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित, बाइलेटरल सिमेट्री खिलाएगी। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री कौन प्रदर्शित करता है, टीनोफोरा से आने वाले आगे, जैसे प्लेटी एलमेंथीज है, प्लेटी एलमेंथीज से कॉर्डेटा तक क्या करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करेंगे। तो अब देखिए प्लेटी एलमेंथीज, देखिए रहा प्लेटी एलमेंथीज, देखिए आपका बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करता है ना, लेकिन उसमें तो होता क्या, ये एसिलोमेट होता है, ये है ना, ट्रू सिलोमेट नहीं होता, ये तो कैंसिल हो गया धीरे, सीधी सी बात है। कहने का मतलब मेरा ये बताने का मकसद ये है ताकि आप, आपकी पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी क्लियर है तो आप, अगर आपको एग्जांपल्स पता है और थ्योरी क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर लोगे इसे। ठीक है, तो प्लेटी एलमेंथीज तो नहीं है ना, क्योंकि प्लेटी एलमेंथीज में ट्रू सिलोम तो पाई नहीं जाती है ना, आइसोलोमेट होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसके अंदर। और एस्केलेमेंथीज के अंदर देखिए, एस्केलेमेंथीज के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी और लेकिन सूडो सिलोमेट होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, एडल्ट इकाइनोडर्म, एडल्ट इकाइनोडर्म के देखिए क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर देखिए सत्य सिलोम पाई जाती है, ट्रू सिलोमेट होते हैं, ये ट्रू सिलोमेट होते हैं, लेकिन इनमें दिक्कत क्या आती है, ये रेडियली सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं ये। ठीक है, और ये समिति जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनलिडा। अगला 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन। अब ये कह रहा है कि कौन से ऐसे जानवर जिनके अंदर होलो, खोखली, लंबी न्यूमेटिक, ये वाईवीए, न्यूमेटिक मतलब होता है वाईवीए, है ना, एयर, वाईवीए लॉन्ग बोन पाई जाती हैं। तो ये करेक्टर देख के ही बता सकते हैं कि हम किसके अंदर पाई जाती है, बर्ड्स के अंदर होती है, बर्ड्स के अंदर होती है, ये एवीज के अंदर होती है ना। तो इसमें कौन सा बर्ड, कौन सी बर्ड है, तो हमें ये पता लगाना है भी, है ना। पहला देखिए क्या है, ऑर्निथो रिनकस, बी है नियोफ्रॉन, सी है हेमिडिक्टाइलस और डी है मैक्रोपस। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा इसका, इसका होगा नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन क्या होता है, देखिए नियोफ्रॉन क्या है,
वल्चर है, क्या है, वल्चर है ना, और वल्चर बर्ड, वल्चर क्या होती है, एवीज के अंदर ही आता है ये भी, है ना, एवीज के अंदर ही आता है। और ऑर्निथोरिंकस क्या होता है आपका, ये प्लेटिपस है, ये प्लेटिपस हो गया। एमिडेक्टाइलस क्या होती है, आपकी वॉल लिजार्ड होती है। और मैक्रोपस क्या होता है, आपका कंगारू होता है। अगला 23 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स को पढ़ें और चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, है ना। तो इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भाई ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, ए से ई तक स्टेटमेंट्स हैं, और उसमें आपको बताना है कि भाई कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है इनमें से सही है, ठीक है। तो पहला क्या स्टेटमेंट है, देखिए, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथिस, हेलमिंथिस के अंदर मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड सिलोमेट एनिमल, उनके अंदर सिलोम पाई जाती है। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो राउंड वर्म्स होती है उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोरा, हेल्प इन डाइजेशन, जो कॉम्ब प्लेट्स है वो टीनोफोरा के अंदर पाई जाती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है, ये स्टेटमेंट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो इकाइनोडर्म का, इकाइनोडर मेटा का एक लक्षण है, करेक्टर है। तो उसका इसमें देखिए सही स्टेटमेंट कौन कौन सा, देखिए, तो मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथिस, हेलमिंथिस के अंदर मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, क्या नहीं होता, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन लेयर, मतलब उसमें तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और सिलोमेट होते हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि इनमें सिलोम पाई जाती है, सिलोमेट होता ही है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो राउंड वर्म्स होती हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो ये बात भी सही है। एस्केलेमेंथिस के अंदर देखिए होता क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन प्लेटी एलमेंथिस की तरफ देखिए, प्लेटी एलमेंथिस से पहले आता है, प्लेटी एलमेंथिस में कैसा होता है, ऑर्गन लेवल का होता है, ध्यान रखना, और ऑर्गन ग्रेड का होता है, जबकि एस्केलेमेंथिस के अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, है ना। अगला देखिए बी, सॉरी डी, कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोरा, देखिए कॉम्ब प्लेट्स टीनोफोरा में पाई जाती हैं, लेकिन जो कॉम्ब प्लेट्स होती है वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करती हैं, है ना, वो लोकोमोशन के अंदर हेल्प कर सकती हैं आपको इनको, है ना। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, तो देखिए ये बात भी सही है, जो इकाइनोडर्म्स का जो मेन करेक्टर क्या होता है, उनमें पाया जाने वाला वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि इनको हर चीज में, भोजन में, गमन में, लोकोमोशन के अंदर, मूवमेंट के अंदर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, सब में हेल्प करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, है ना। इकाइनोडर मेटा के अंदर तो क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इकाइनोडर मेटा के अंदर, जबकि पॉरीफेरा के अंदर क्या होता है, पॉरीफेरा के अंदर होता है कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है पॉरीफेरा के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखिए बी सी और ई, बी सी और ई आर करेक्ट, सही बात है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विथ रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं और उनके कोई रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है कि भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर। पहला है पाइला, ठीक है, पाइला में क्या फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, क्या पाइला के अंदर कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं, क्या पाइला के अंदर रेडुला पाया जाता है,
क्या पाइला के अंदर मिल बिगी नलिकाएं पाई जाती हैं, ट्यूब्स पाई जाती हैं। तो देखिए पाइला के अंदर क्या पाया जाता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम रेडुला कहते हैं। ठीक है, तो मोलस्का का सदस्य आइए, मोलस्का के अंदर रेडुला पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि रेस्पिंग ऑर्गन होता है एक प्रकार का। बॉम्बेक्स की बात करते हैं तो ये कीट है, ये एक प्रकार का इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट के अंदर सीधी सी बात है, उनमें एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या पाई जाती है, मेल पिजन ट्यूब, मेल पिजन ट्यूब पाई जाती है, मेल पिजन नलिकाएं पाई जाती है। ओके, अगला है प्लूरोब्रेकिया। ठीक है, प्लूरोब्रेकिया में क्या पाया जाता है, क्लेम सेल्स पाई जाती है क्या उनके अंदर, ये कॉम्प्लेट्स पाई जाती है। तो उनके अंदर पाई जाती है कॉम्प्लेट्स, क्योंकि ये क्या है, प्लूरोब्रेकिया क्या होता है, एक प्रकार का टीनोफोरा का, टीनोफोरा है ये। तो टीनोफोरा के अंदर क्या पाई जाती है, कॉम्प्लेट्स, इन्हें कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कॉम्प्लेट्स या कॉम्ब, इन्हें जो टीनोफोरा के सदस्य, इन्हें कॉम्ब जेलीज भी बोला जाता है, ध्यान रखना, कॉम्ब जेलीज। ठीक है, कॉम्प्लेट्स क्या करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है इनको। टीनिया लास्ट बच गया, टीनिया, टीनिया इसमें फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो टीनिया में फ्लेम सेल्स क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो इसका क्या होगा, पाइला ए का हो जाएगा, सॉरी ए का होगा थर्ड। तो ए का थर्ड तीन जन तीन में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, है ना। ए का हो गया थर्ड और बी का हो गया मेल पिजियन नलिका। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और प्लूरोब्रेकिया हो गया सेकंड और ये हो गया टीनिया, हो गया फर्स्ट वाला। तो ये हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। कौन सा लक्षण या कौन सा करेक्टर बर्ड्स और मैमल्स के द्वारा शेयर नहीं किया जाता है, मतलब उनमें सिमिलर नहीं है वो करेक्टर। जैसे पहला देखिए विविपेरिटी, है ना। दूसरा है वार्म ब्लड नेचर, क्या वो दोनों वार्म ब्लड नेचर के होते हैं। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, इनमें ऑसिफाइड का मतलब है बोनी स्केलेटन, में बोनी स्केलेटन होता है। बी का मतलब बोल रहा है ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स। तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो है विविपेरिटी। विविपेरिटी इसलिए है क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं वो ओविपेरस होती हैं। बर्ड्स क्या होती हैं, ओविपेरस होती हैं, जबकि मैमल्स जो होते हैं वो होते हैं विविपेरस। बाकी जो करेक्टर्स इसमें बता रखे हैं, जैसे वार्म ब्लडेड, दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं, सही बात है। बोनी स्केलेटन दोनों के अंदर होता है। ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, दोनों के अंदर लंग्स होते हैं। अगला 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं होता है इनमें से, है ना। तो पहला है पैरापोडिया, दूसरा है जॉइंटेड अपेंडिजेस, तीसरा है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन और डी है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो देखिए जॉइंटेड अपेंडिजेस भी होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर होते हैं, सही बात है। संधित युक्त उपांग जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर, ना। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन कैसा होता है इनके, काइटिनियस होता है, ये बात भी सही है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ये बात भी सही है। तो इसमें ये इसका उत्तर होगा, ये इसका आंसर होगा पैरापोडिया। पैरापोडिया किसके अंदर होता है, नेरीज के अंदर देखने को मिलेगा आपको, नेरीज, है ना, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है नेरीज को। और नेरीज क्या है, आपका एनालिडा का सदस्य है ये, एनालिडा। अगला 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विथ रेस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में के अकॉर्डिंग जो करेक्टली मैच्ड हमें छांटना है, इसके अंदर ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं और इनका ये दे रखा है, इनकी क्लासेस दे रखी हैं, ये ना क्लासेस सब फाइलम दे रखा है। तो हमें ये छांटना है कि इनमें से भाई कौन सा करेक्टली मैच्ड है। जैसे पहले इसमें क्या दे रखा है, इंसेक्टा है ना, इंसेक्टा
दे रखा है और पहला ऑप्शन क्या है देखिए, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई और सिल्वर फिश, है ना। तो ये क्या इंसेक्टा के अंदर आते हैं क्या ये सब, तो बताइए। फिर बी क्या बता रखा है, स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ये किस में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं ये। सी बता रहा है फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, ये किसके अंदर आती है, पीसीस के अंदर आती है क्या। डी बोल रहा है सेंट्रीपिड, मिलीपिड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये किसके आते हैं, इंसेक्टा के अंदर आते हैं। क्या था इंसेक्टा के अंदर, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, करेक्टली मैच्ड उत्तर है वो ये है। देखिए हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, ये सारे इंसेक्टा के अंदर आते हैं, ये बात सही है। ठीक है, नाम पे मत जाइए, सिल्वर फिश ये आर्थ्रोपोडा है, ध्यान रखना आर्थ्रोपोडा का सदस्य है ये। ओके, और स्पाइनी एंटीटर ये तो मैमल है, सीधी सी गलत हो गया ये। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश जैसे मैंने बताया आर्थ्रोपोडा का सदस्य होता है, इंसेक्टा में आता है ये भी गलत हो गया। सेंट्रीपिड, मिलीपिड, ये एरेक्निडा का सदस्य, ये दोनों एरेक्निडा के अंदर आते हैं दोनों, स्पाइडर और स्कॉर्पियन, ना कि इंसेक्टा के अंदर। तो ये भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया। तो सही होगा ए ऑप्शन। अगला 2800 क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर, रेप्टिलिया क्लास का लक्षण है, पहला बॉडी कवर्ड विथ मॉइस्ट स्किन विच इज डिवोर्ड ऑफ स्केल्स, द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन क्लोएका। तो देखिए ये जो लक्षण बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग क्या ये रेप्टिलिया से मैच कर रहा है क्या, ये जो करेक्टर्स हैं जो बताए हुए हैं क्या ये रेप्टिलिया से मैच कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट जो है आंसर आप फटाफट से करिए, क्या है सेक्रेट आंसर, बी फ्रेश वाटर एनिमल विथ बोनी एंडोस्केलेटन, एयर ब्लैडर टू रेगुलेट बुएंसी, ये भी है, मैराइन एनिमल्स विथ कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, बॉडी कवर्ड विथ प्लेकॉइड स्केल्स, मतलब प्लेकॉइड स्केल्स किसमें पाए जाते हैं, डी बॉडी कवर्ड विथ ड्राई कॉर्निफाइड स्किन स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। तो देखिए इनमें से कौन सा सूटेबल मैच कर रहा है रेप्टिलिया क्लास से, तो इसका आंसर होगा लास्ट वाला, बॉडी कवर्ड विथ ड्राई, इनकी देखिए जो स्किन होती है कैसी होती है, ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओवर द बॉडी दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल नहीं पाया जाता, तो ये जो करेक्टर जो आप देख रखे हैं ये सीधी सी बात है ये रेप्टिलिया से मैच कर रहा है। बाकी जो करेक्टर हैं जैसे क्लोएका का पाया जाना और मॉइस्ट स्किन होना, तो ये देखिए ये जो करेक्टर एम्फीबिया का करेक्टर है, ये एम्फीबिया, ये जो करेक्टर है एम्फीबिया का है। ये एम्फीबिया का करेक्टर है और फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी एंडोस्केलेटन एयर ब्लैडर टू रेगुलेट बुएंसी, ये करेक्टर किसका है, ऑस्टिकथीस का है, और ये जो करेक्टर है ये किसका है, कार्टिलेजियस फिशेस, कौन सी होती है, कॉन्ड्रिकथीस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लास्ट वाला डी। क्वेश्चन 29, एस्केरिस इज करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, कहने का मतलब जो एस्केरिस होती है इनमें ट्रू सिलोम पाई जाती हैं बट मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है। बी ऑप्शन बोला है प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम एंड मेटामेरिज्म, मतलब मेटामेरिज्म भी होता है और ट्रू सिलोम भी होती है। सी ऑप्शन बोल रहा है एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, मतलब सिलोम सत्य सिलोम या जो ट्रू सिलोम एब्सेंट होती है लेकिन मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है।
डी ऑप्शन बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूथ सिलोम, ना ही इनमें ट्रूथ सिलोम होती है और ना ही इनमें मेटामेरिज्म होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये लास्ट वाला डी। तो देखिए जो एस्केरिस हैं, एस्केरिस में देखिए सिलोम नहीं होती है, ट्रूथ सिलोम नहीं होती है इनके अंदर। तो इनमें एस्केरिस के अंदर क्या होती है, एस्केरिस क्या होते हैं, सुडो सिलोमेट होते हैं। एस्केरिस क्या होते हैं, सुडो सिलोमेट, जैसे मैंने बताया था आपको। और मेटामेरिज्म इनके अंदर नहीं होता, मेटामेरिज्म जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा है, कॉर्डेटा है, उनके अंदर होता है मेटामेरिज्म, है ना। तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। मतलब ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें नर्व सेल्स हैं लेकिन ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन, तीन सॉरी चार ऑप्शन है, पहला है स्पंज, दूसरा है अर्थवर्म, सी है कॉकरोच और डी है हाइड्रा। तो स्पंज में देखिए नर्व सेल एब्सेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है नर्व सेल, स्पंज तो होगा नहीं। हाइड्रा के अंदर नर्व सेल पाई जाती है तो इसमें प्रेजेंट होती है। अर्थवर्म और कॉकरोच इनके दोनों के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। लेकिन अब ब्रेन की बात करते हैं, जो सेंट्रल नर्वस होता है, इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप होता है ना, समझ आ रही बात, जिस वजह से इनके अंदर ब्रेन पाया जाता है, अपनी तरह नहीं होता लेकिन पाया जाता है, समझ आ रही बात। तो अर्थवर्म कॉकरोच के अंदर नर्व सेल प्रेजेंट बट ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट इन दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन अपन हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा के अंदर देखिए नर्व सेल प्रेजेंट होती है लेकिन इनमें जो नर्व सेल्स होती है वो कैसी होती है, एपोलर न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर, समझ आ रही बात, एपोलर न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर। यानी का मतलब नर्व्स का नेटवर्क पाया जाता है, इतनी डेवलप नहीं होती है, मतलब उनका नर्व्स का एक नेटवर्क देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। तो ये हाइड्रा के अंदर देखने को मिलेगा आप लोगों को। हाइड्रा क्या होता है, आपका सिलेंट्रेटा का सदस्य ही है, सिलेंट्रेटा है, ये सिलेंट्रेटा है। स्टूडेंट्स आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमने सेकंड यूनिट के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और फर्स्ट यूनिट की मैंने वीडियो डाल दी है, 30 क्वेश्चन उसके भी आप अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन करिए सॉल्व और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। और जितना मैं देखिए आपको ये कहना चाहता हूँ, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब नीट का एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, और इसलिए आप विनसम डिजिटल लर्निंग से आप जुड़े हुए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए नई नई वीडियोस डालते रहेंगे, एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हो या कोई भी नॉलेजेबल क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो। ओके बाय।